ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। करोड़ में बनाई जाएगी धूम 3। कौन होगा फिल्मों में विलन? यशराज फिल्मों ने फिर से एक धमाकेदार वापसी कर दी है। साल 2022 यशराज के लिए काफी बुरा रहा था। उनकी जितनी भी फिल्में रिलीज हुई थी वो सारी फ्लॉप थी, चाहे वो पृथ्वीराज हो, जयेश भाई जोरदार हो या फिर शमशेरा। ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पीट गई थी। लेकिन जब यशराज ने इस साल की शुरुआत की, वो भी पठान से, पिछले जितनी भी फिल्में फ्लॉप थी सारी फिल्मों की रिकवरी कर डाली, क्योंकि पठान ने ना ही सिर्फ 100, 200 बल्कि 1000 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन कर दिया है। और इसी के साथ ही ये फिल्मों ने बहुत बड़ा इतिहास बना दिया है। यशराज एक बात समझ चुका है कि फिल्म जितनी भी अच्छी होगी, जितना बड़ा एक्टर होगा उतनी ही बड़ी हिट होगी। इसलिए तो यशराज की इस साल एक से बढ़कर एक फिल्में आ रही है। पठान के बाद अब आने वाली है टाइगर 3, और हम सबको बताया कि टाइगर 3 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा तूफान लाने वाली है। लेकिन ये सब फिल्मों के अलावा यशराज प्रोडक्शन में एक फिल्म हमेशा चर्चे में रहती है, और वो फिल्म है धूम 4। धूम 4 फिल्मों को लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर खबरें आती रहती है कि ये फिल्मों में विलन कौन होगा, ये फिल्म कितने करोड़ के बजट में बनाई जाएगी, फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी वगैरह वगैरह। तो आज हम फाइनली इस न्यूज में धूम 4 को लेकर कई सारी एक्साइटिंग खबर बताने वाले हैं। सबसे पहले बता दें कि धूम 4 फिल्म बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है। ये फिल्म में यशराज 500 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगाने वाला है, और उसका रीजन है फिल्म के एक्टर। ये फिल्मों में जो विलन होंगे वो एक नहीं बल्कि दो दो विलन लिए जाएंगे। खबर तो ऐसे भी आ रही है कि यशराज धूम सीरीज के जितने भी विलन है उन सबको एक साथ लाने की प्लानिंग कर रहा है, जिनमें ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम, आमिर खान जैसे एक्टर तो ऑलरेडी शामिल ही है, और दो एक्टर के और नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें पहला नाम है सलमान खान का और दूसरा नाम है शाहरुख खान का। और इतने बड़े बड़े एक्टरों को एक साथ लाना कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए यशराज फिल्म ये फिल्म में 500 करोड़ से भी ज्यादा बजट लगाने वाला है, ताकि ये फिल्म में हमें एक से बढ़कर एक स्टार देखने को मिले, और साथ ही में फिल्म में जबरदस्त और नेक्स्ट लेवल का एक्शन हम देख सके। ऑडियंस के लिए यशराज काफी कुछ कर रहा है। इसके अलावा यशराज अपने स्पाई यूनिवर्स में भी बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है, जिनमें टाइगर 3 होगी, और फिर टाइगर 3 के बाद शाहरुख और सलमान को आमने सामने लाएगा, जो एक दूसरे के जान के प्यासे बनेंगे। यानी कि अभी तो शुरुआत है, अभी असली धमाका तो आने वाले दिनों में होने वाला है। फिलहाल दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं धूम 4 में विलन के लिए कौन सा एक्टर सबसे बेस्ट रहेगा। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।